Suppose we have added VML of H2SO4 and this is the final molarity of it. Now what is happening? Ki H2SO4 NaO से ऐसे रिएक्शन करेगा Na2SO4 plus 2HOH. तो हमको इसके मिलीमोल्स पता है, M into VML इसके मिलीमोल्स हैं, वो हमें कितने दे रखे हैं, जो वो 5 मिलीमोल, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर क्या हो गया मिलीमोल्स, कि मोलरिटी मोल्स पर लीटर भी होती है और मिलीमोल्स पर मिलीलीटर भी होती है, तो मिलीलीटर को जब मोलरिटी से मल्टीप्लाई किया तो मिलीमोल्स आ गए. तो ऑब्वियस है कि यहां पे इसके कितने यूज होंगे, 2 के लिए 1, तो यहां यूज हो गए 2.5 मिलीमोल इस रिएक्शन में. अब हमारे पास जो है, हमने इनिशियली H2SO4 इतना मिलाया, इतने मिलीमोल्स H2SO4 के शुरू में मिलाए, तो उसमें से इतने तो यहां काम आ गए 2.5, तो इस NaOH के साथ रिएक्शन में. अब ये फाइनल हमारे पास बचे हैं 0.05. अब कितने वॉल्यूम में बचे हैं, इसका 50 ml वॉल्यूम है और इसका V है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, 50 प्लस V, इसमें फाइनल मोलरिटी आएगी. तो यहां इसको सॉल्व करने से हम जो है वो V फाइंड कर सकते हैं.